आपने बॉलीवुड मूवीज में कई प्रकार के गैंगस्टर को देखा होगा। गैंगस्टर मतलब जो लोगों का मर्डर करते हैं, वे खौफ होकर लोगों की जान लेते हैं। एक वो गैंगस्टर होते हैं जिनके दिमाग पर किसी बात की सनक होती है और वो एक ही तरीके से लोगों का मर्डर करते हैं और वो मर्डर एक मिस्ट्री बन जाती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी घटित हो रहा था। एक गैंगस्टर लोगों की जान ले रहा था। लोगों की जान लेने का तरीका एक सा था। पुलिस परेशान थी लेकिन पुलिस ने उस गैंगस्टर को पकड़ लिया। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। बीते दो दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक सनसनी फैली। सनसनी थी चौकीदारों की हत्या की। असल में मामला सागर जिले का है, जहां पर 48 घंटे के अंदर चार चौकीदारों की हत्या कर दी। चार चौकीदारों की हत्या हुई। हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा। लोगों ने अंदाजा लगाया कि चारों हत्या का आरोपी सिर्फ एक व्यक्ति है। जब हत्यारे की सनक कम ना हुई तो उसने अपना ठिकाना बदला। हत्यारा सागर से भोपाल आया, जहां उसने उसी तरीके से एक चौकीदार की हत्या कर दी। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आरोपी धीरे धीरे चौकीदार के पास पहुंचता है। चौकीदार को गहरी नींद में सोता देख आरोपी चौकीदार के सिर पर संगमरमर की सिल्ली से हमला करता है। हमला इतना तेज रहता है कि चौकीदार के शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती। हमला करने के बाद युवक संगमरमर की सिल्ली को जमीन पर रख देता है और वहीं से छोटे छोटे औजार उठा लेता है। उन औजारों से एक बार फिर वो आरोपी चौकीदार के ऊपर हमला कर देता है और कुछ देर बाद आरोपी मृतक चौकीदार के पास बैठ जाता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। हम आपको बता दें कि मृतक चौकीदार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। सुबह के समय वह दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, तो वहीं अपना घर चलाने शाम के समय किसी व्यक्ति के यहाँ चौकीदारी की नौकरी करता था। आप इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये आरोपी है, जो ये अपराधी है, ये बड़े प्रोफेशनल तरीके का है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत करने के बाद इस आरोपी को पकड़ लिया है। बहुत कठिन टास्क था। अंधी मर्डर थे, वो अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए, भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शिनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है, सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो तीन घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है। असल में ये युवक सागर जिले के केसली का रहने वाला था। जब पुलिस ने इसे पूछताछ की तो इसके चेहरे पर इतनी सी भी शिकन नहीं थी, और जब पुलिस ने पूछा कि तुम इन लोगों की हत्या क्यों कर रहे हो, तो उसने बड़े ही फिल्मी तरीके से इस बात का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं KGF 2 देखता हूँ, मैं KGF 2 में रॉकी भाई जैसा बनना चाहता हूँ, इस वजह से मैं लोगों की हत्याएं कर रहा हूँ। जो भी चौकीदार अपनी ड्यूटी नहीं करता, रात के समय जो व्यक्ति, जो चौकीदार सोता है और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करता, उसकी मैं हत्या कर देता हूं, और हत्या करने का तरीका एक सा है। मैं KGF 2 को देखकर इंस्पायर हुआ हूं। भोपाल में नगरी पुलिस क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें एक गार्ड की हत्या की गई थी, पुलिस उस प्रकरण में आरोपी को तलाश कर रही थी। सागर पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है कि उस प्रकरण से संबंधित जो आरोपी है, उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन जब्त हुआ है, जो मृतक गार्ड है भोपाल
नगरी क्षेत्र का, उसका है मोबाइल, और उसके संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें ये घटनाक्रम दिखा है। उसको देखकर जो आरोपी सागर पुलिस ने पकड़ा है वही आरोपी इस प्रकरण में भी है जो भोपाल नगरी पुलिस क्षेत्र में हुआ है। प्रकरण में आगे की कार्रवाई के लिए जो संबंधित थाना क्षेत्र है वो सागर पुलिस से संपर्क में है। इस व्यक्ति की उम्र महज 19 साल है। 19 साल में इस व्यक्ति ने 5 मर्डर किए। इन्वेस्टिगेशन में एक खास बात और सामने आई, वो खास बात थी कि ये युवक पहले पुणे में रहता था। बिल्कुल इसी तरीके से इस आरोपी ने पुणे में भी एक चौकीदार की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास में वो असफल हो गया और अब सागर आ गया, जिसके बाद उसकी सनक ऐसी चढ़ी कि उसने सागर में 4 लोगों की हत्या कर दी, साथ ही राजधानी भोपाल में एक चौकीदार की हत्या कर दी। हमने देखा कि महज 19 साल का एक युवा जो कि मूवी देखने के बाद अपने रास्ते से भटक गया और उसकी सनक ने कई लोगों की जान ले ली। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को देखें, हम अपने अगल बगल में खड़े अगल बगल में रहने वाले युवाओं पर नज़र रखें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।